नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इसको देख लीजिए दोस्तों, सातवीं गणित है। यदि आप हिंदी मीडियम पढ़े हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो देख लीजिए दोस्तों, इस सेवन क्लास का एनसीईआरटी मैथ है। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 43 और 32। इसका दोस्तों मीडियन ज्ञात करना है। हल सॉल्यूशन लिखिए या हल। इसको सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, एसेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम में इसको लिख लीजिए। सबसे छोटा यहां 25 है, 25, फिर इससे बड़ा 31, अब इससे बड़ा ये 32, 37, 37, 39 और 42, 43, 46, ये 46 दोस्तों। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 नंबर है। ऑब्जर्वेशन n बराबर 9, ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 9 है दोस्तों। अभी मीडियन का सूत्र हो जाता है, सूत्र है मीडियन इज इक्वल टू बराबर वैल्यू ऑफ एन प्लस वन बटे दो। इस तरह से दोस्तों ATH ऑब्जर्वेशन लिख दीजिएगा इसको। अब यहां पर इन का मान 9 है। अब इसको सीधे बराबर लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ 9 प्लस 1 बाई 2 TH ऑब्जर्वेशन दोस्तों। इस तरह से अब बराबर 10 बटे 2 बराबर 5। ये 5 ऑब्जर्वेशन इसका मीडियन है दोस्तों। ये मीडियन है 1, 2, 3, 4, यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचवा नंबर मीडियन बराबर 39, ये आंसर है दोस्तों, ये 39। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन एसेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द नंबर्स 29, 32, ये 48, 50x, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95 इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। हल सूत्र लिख लीजिए, मीडियन बराबर 1 बटे 2, और इससे छोटा कोष्टक लगा लीजिए, वैल्यू ऑफ n बाई 2। ये सूत्र है, वैल्यू ऑफ n बाई 2 TH ऑब्जर्वेशन।
इस तरह से दोस्तों, ये छोटा कोष्टक लगा लीजिए अब इस तरह से, प्लस पुनः छोटा कोष्टक लगाइए, ए वैल्यू ऑफ, पुनः लिख लीजिए वैल्यू ऑफ एन बटे दो धन एक, इस तरह से टी एच लिख के ऑब्जर्वेशन। ये है सूत्र दोस्तों, इस तरह से यह सूत्र है, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब यह मीडियन दिया गया है दोस्तों 63, इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मीडियन के जगह 63 बराबर एक बटे दो, आप पुनः इसी को लिख लीजिए, ये छोटा कोष्टक वैल्यू ऑफ ऑफ एन का मान कितना है 10 है, एन बराबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से 10, ये तो मीडियन है दोस्तों 63। अब लिख दीजिए 10/2, एन के जगह 10/2, ये ऑब्जर्वेशन, और इस तरह से कोष्टक पुनः इसी को, प्लस पुनः कोष्टक वैल्यू ऑफ एन का मान यहां पर कितना है इसको लिख लीजिए 10/2 धन एक, इस तरह से ये टी एच ऑब्जर्वेशन, ये छोटा कोष्टक और इससे बड़ा कोष्टक, इस तरह से दोस्तों, इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो 63 बराबर 1/2, एक ही कोष्टक लगाइए, इसको वैल्यू ऑफ लिख लीजिए, ये 2 × 5 = 10, ये 5 आंसर आएगा 5 टी एच ऑब्जर्वेशन, फिर इस प्लस को लिखिए वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ ये भी जो दोस्तों 6, इसको हल करेंगे तो 6 ऑब्जर्वेशन, 6 टी एच ऑब्जर्वेशन आता है आंसर इसका, हल कर लीजिएगा इसको, इजी तरीका से हल होता है। यहां पर ये 5.5 आता है, तो 5.5 नहीं, हम 6 लेते हैं दोस्तों, इसलिए यहां पर 6 लिखा गया है। अब 63 बराबर 1/2, 1/2 गुड़े, ये पांचवा नंबर को लिख लीजिए यहां, 1 2 3 4 5 एक्स है, पुनः प्लस कर लीजिए इस प्लस को, ये छठवां नंबर 1 2 3 4 5 6 6 एक्स धन 2 है, ये एक्स पांचवा है, 1 2 3 4 5 और ये छठवां है, इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं आप इसको, इजी तरीका से कोष्टक कर दीजिए। 63 बराबर एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो 2x होगा, और ये धन 2, ये एक का एक इतना ही होगा, 2x धन 2, और ये एक से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, बटे ये 2 लिख लीजिए इस तरह से। और 63 × 2, ये 2 गुणा हो जाएगा बराबर 2x धन 2, अब इसको गुणा कर लीजिए, 63 × 126 होगा। अब इस 2 को इधर ले आते हैं, 2 बराबर 2x, 124 घटाएंगे तो 124 बचा बराबर 2x, x बराबर 124/2, अब इसको काट दीजिए 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, ये है दोस्तों वैल्यू ऑफ x बराबर वैल्यू ऑफ x इज
62, इस तरह से आसानी से बनता है, इजी तरीका से देख लीजिए, एक्स बराबर 62। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।